दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान करने से हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। ध्यान एक विचारहीन जागरूक अवस्था है जो नींद या समाधि नहीं है। इसमें व्यक्ति पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में होता है, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति का मन गायब हो जाता है, जिससे वह अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने, किसी के बारे में सोचने या किसी के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं करता। इस अवस्था में उसके दिमाग में कोई सांसारिक विचार नहीं होता, लेकिन वह पूर्ण रूप से सचेत होता है। ध्यान योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में से 7वां अंग है, जो समाधि से पूर्व की अवस्था है। आदि शंकराचार्य के अनुसार किसी भी वस्तु पर विचार न करना ही ध्यान है। सही मायनों में ध्यान गहरी शांति की एक ऐसी अनुभूति है जो तब होती है जब मन अंदर से शांत होता है। सच्चा ध्यान वो है जिसमें ना बदल सकने वाले अतीत और अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने की बजाय वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जिया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान के एक एक पल के साथ एक हो जाना ही ध्यान है। अब हम बात करेंगे नियमित ध्यान करने से होने वाले उन 10 फायदों के बारे में जो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख सकते हैं। ध्यान करने का पहला और सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा मन हर समय या तो किसी से हमारी तुलना कर रहा होता है, या हमारे अतीत के बारे में सोच रहा होता है, या फिर भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है। यानी कि हमारे मन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अपनी मर्जी से इधर उधर भटकता रहता है। जबकि मन हमारे लिए एक टूल की तरह है और हमें इसे अपनी आवश्यकता अनुसार अपने उपयोग में लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और हमारी इसी समस्या का समाधान है ध्यान। रोज ध्यान करने से हमारे मन और विचारों पर हमारा नियंत्रण बढ़ जाता है, फिर मन हमें नहीं, हम मन को चलाते हैं। दूसरा, ध्यान हमारे नींद के कोटे को कम करता है। जब हम सोते हैं तो बॉडी के जितने भी मसल्स दिन भर में टूटती हैं वो रात में खुद को रिपेयर करती हैं, और शरीर व मन अगले दिन के कामों के लिए खुद को ऊर्जा से भरते हैं। हमारे अंदर की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मस्तिष्क के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, और हमारा मस्तिष्क इस ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा फालतू के विचारों को सोचने, चिंता करने, क्रोध इत्यादि करने में बर्बाद कर देता है। लेकिन ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है, जिससे हम ज़्यादा सोचने, चिंता करने, क्रोध करने जैसी आदतों से छुटकारा पा लेते हैं, और हमारे शरीर की ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। साथ ही ध्यान करने से हमारा पूरा शरीर रिलैक्स रहता है, जिससे शरीर के अंदर कोशिकाओं और मसल्स की तोड़ फोड़ भी कम होती है। इसलिए जब हम सोते हैं तो मन को कम ऊर्जा और शरीर को कम मरम्मत की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारे सोने के समय में कमी आ जाती है। तीसरा, ध्यान करने से हमारी उम्र लंबी होती है। अब कुछ लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो लोग लंबे समय तक ध्यान करते हैं उनकी उम्र में बढ़ोतरी देखी गई है। हमारे भारतीय योगिक शास्त्रों में इस बात को पहले से ही बताया गया है, लेकिन साइंस ने इसे अब स्वीकारा है कि हम इंसान को जीने के लिए साल नहीं बल्कि नंबर ऑफ सांसें मिलती हैं। अगर हम किसी तरीके से अपनी सांसों को गहरा और धीमा कर लें तो हमारी उम्र लंबी हो सकती है, और केवल ध्यान ही वो तरीका है जिसके द्वारा सांसों को लंबा और गहरा किया जा सकता है। यही कारण है कि सालों तक ध्यान करने वाले योगी और ऋषि मुनि बहुत लंबी उम्र जीते हैं। चौथा, ध्यान हमारे जीवन से चिंता और तनाव को कम करता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि चिंता है क्या। किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। जब हम किसी भी चीज़, काम या इंसान के बारे में ज़रूरत से अधिक सोचते हैं और उसे बोझ समझने लगते हैं तो हमारे अंदर तनाव पैदा हो जाता है, फिर यही तनाव हमारे क्रोध को जन्म देता है। लेकिन ध्यान करने से हमारे मन में उठने वाले विचारों की तीव्रता कम हो जाती है और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम किसी भी समस्या के बारे में सोचते कम हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो पाते हैं, और इस तरीके से ध्यान हमारे जीवन से चिंता और तनाव को कम करता है। पांचवा, ध्यान करने से हमारा शारीरिक आकर्षण बढ़ता है। ध्यान करने से हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, आँखों में सहज ही आकर्षण आ जाता है, आवाज़ में भारीपन, ठहराव और मधुरता आती है, जिससे लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। ध्यान की वजह से पूरे दिन हमारा शरीर रिलैक्स रहता है, जिससे हमारे चलने, बैठने, बात करने के तरीकों में एक संतुलन आ जाता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाती है जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान करने से हमारी पर्सनैलिटी में एक चमत्कारी बदलाव आ जाता है। अगर आप बहुत सालों तक ध्यान करते रहते हैं तो यह लोगों की नज़रों में आपको एक रहस्यमय इंसान बना देता है। छठा,
ध्यान हमें वर्तमान में रहना सिखाता है। ध्यान का मूलभूत सिद्धांत ही वर्तमान में जीने पर टिका है। ध्यान हमें अतीत और भविष्य की बातों से निकालकर वर्तमान में लाके खड़ा कर देता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम वर्तमान में रह ही नहीं पाते। हम या तो बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम सिर्फ वर्तमान में रहना सीख जाएं, तो हमारी 95% समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि तब हम जागरूक हो जाते हैं। चीज़ों और समस्याओं को वैसे ही देखते हैं जैसी वो असल में होती हैं। हम उन्हें बढ़ा चढ़ा के या कम करके नहीं देखते। वो जैसी हैं बस वैसे ही, और यही सही तरीका है समस्याएं सुलझाने का, कि पहले ये तो समझो कि समस्या है क्या। और समस्याओं को इस तरीके से देखने की ऐसी दृष्टि केवल ध्यान से ही आ सकती है, क्योंकि ध्यान हमें वर्तमान को देखना सिखाता है। 7, ध्यान हमारे अंदर करुणा और प्रेम को बढ़ाता है। हम लोगों को माफ़ करना सीखते हैं। पहले तो ये समझिए कि माफ़ करने से सबसे ज़्यादा फायदा हमें खुद होता है, क्योंकि इससे हमारे अंदर की नफरत, गुस्सा और जलन कम होती है। इसलिए लोगों को माफ़ कर दीजिए, उनके लिए नहीं अपने फायदे के लिए, क्योंकि माफ़ कर देने से हम ज़्यादा खुश और शांत रहते हैं। ध्यान करने से हमारी सकारात्मक भावना प्रबल होती है। हम लोगों की कमियां देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही ध्यान हमें अंदर से करुणामय बनाता है, क्योंकि ध्यान हमें ऐसी दृष्टि देता है कि हम आसानी से दूसरों के दुख, दर्द और भावनाओं को समझ पाते हैं। 8, ध्यान हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमारे आत्मविश्वास के कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है खुद के दूसरों से तुलना करना, या फिर अगर अतीत में किसी ने हमें कमज़ोर महसूस करवा दिया था तो उनकी इस बात को अपने अंदर बिठा के रखना, या फिर अपनी अतीत की हारों को बार बार याद करना और ये महसूस करना कि भविष्य में भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। ये कुछ ऐसे मानसिक कारण हैं जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर रख देते हैं। लेकिन ध्यान हमारे पुराने नकारात्मक विचारों को मन से खाली करता है और नए सकारात्मक विचारों को मन में जगह देता है, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये बात कई प्रयोगों में प्रूफ की जा चुकी है कि लगातार ध्यान करने से हम अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान करने से हमारे मन और शरीर को जो फायदे होते हैं, वो भी हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। 9, ध्यान चीज़ों को याद रखने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। एक बार वैज्ञानिकों की एक टीम ने 100 लोगों के एक समूह को 50-50 के दो ग्रुप में बांट दिया, जिसमें पहले 50 लोगों को अगले 45 दिनों तक रोज 20 मिनट ध्यान की प्रैक्टिस करवाई गई और दूसरे ग्रुप के लोगों को कुछ नहीं करवाया गया। बस वो जो भी करते थे उन्हें करने दिया गया। 45 दिनों बाद जब रिसर्च कंप्लीट हुई, तो ये पाया गया कि पहले ग्रुप के लोग जो 20 मिनट रोज ध्यान करते थे, उनके माइंड का वो हिस्सा जो चीज़ों को याद रखता है, उसके आकार में थोड़ा सा बदलाव हुआ था। उसका साइज पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन दूसरे ग्रुप के लोगों के माइंड में कोई भी बदलाव नहीं आया था। इससे रिसर्चर्स की टीम ये प्रूफ कर पाई कि ध्यान करने वाले लोग ना ध्यान करने वाले लोगों की तुलना में चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये तो केवल आज के वैज्ञानिकों का एक छोटा सा प्रयोग है। ध्यान करने से याददाश्त बढ़ती है, इसका प्रमाण आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे योगी पहले ही दे चुके हैं, जो एक बार पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद रख लेते थे। 10, ध्यान हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। अगर हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते, तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे मन में लगातार उठने वाले विचार। हमारा मन कुछ सेकंड के लिए भी विचार रहित नहीं रह सकता, क्योंकि यही इसका काम है, लगातार विचारों को उत्पन्न करना। लेकिन ध्यान हमारे मन में उठने वाले विचारों की आवृत्ति को कम करता है, जिससे हमारा मन सहज एकाग्र होने लगता है और हम अपने कामों को ज़्यादा फोकस्ड तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ध्यान और उसके फायदों के बारे में जानने को मिला होगा। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।